एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया। वहीं पहली बार 10वीं कक्षा में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के कुल 10.5 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जहां पहली बार ऐसा हुआ कि 10वीं के रिजल्ट में 100% छात्र पास हुए हैं। नई प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा के नियमित स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। इन परीक्षाओं में उपस्थित न रहने वाले स्टूडेंट्स को 33% अंक देकर पास किया गया। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी 33% अंक देकर पास किया गया। के कारण से पिछले वर्ष पढ़ाई प्रभावित हुई थी, पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ था। ऐसे में हमारे सामने जो सबसे अच्छा विकल्प था, उस विकल्प का हमने वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके और परीक्षा परिणाम घोषित किया है। सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या है 3,56,000 से कुछ अधिक। द्वितीय श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या है 3,97,626। तृतीय श्रेणी प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है, वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। यदि उनको विकल्प के रूप में परीक्षा में भी बैठना है, तो परीक्षा भी जब हमारी आगामी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में वो विद्यार्थी फिर से बैठ सकेंगे और परीक्षा देकर के भी अपनी परीक्षा पद्धति से भी मूल्यांकन अपना आकलन कर सकेंगे। हालांकि जो भी बच्चे इस रिजल्ट से खुश नहीं है, वह आगामी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह विशेष परीक्षा सितम्बर माह में आयोजित होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।